खाली दोस्तों यहाँ पर तीन टूलों के अंदर बहुत ही कमाल की अपडेट आ चुकी है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन EFT टूल की तरफ से जो अपडेट आया है वो काफी ज्यादा खास है और उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर ऐड हैं जिसके लिए हम आपको ये बोल सकते हैं कि अगर आप इस समय के डेट में EFT प्रो टूल खरीदते हैं तो उससे बेस्ट कोई भी टूल नहीं है। अब ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो में आगे जब देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिलहाल तीन अपडेट है तो तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है। तो चलिए अपने टॉपिक ऊपर चलते हैं। एक्चुअली लाइट नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पे तीन टूलों में अपडेट आया है जिसमें से कि कल के डेट का अपडेट है EFT का और चीता टूल और UAT टूल, ये दोनों का अपडेट आज के डेट का है। तो अगर हम बात करें चीता टूल का तो आप देखेंगे तो इसके अंदर ओप्पो के कुछ मॉडल यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है जो कि काफ़ी सारे टूलों में ऑलरेडी आ चुका है। और रियलमी 5i वगैरह जो मॉडल चल रहा था रेंडमली अभी लगभग ये भी आ चुका है अपडेट में। और इसके अलावा सपोर्टेड फीचर में यहाँ पे इन सभी मॉडलों में आप क्या कर सकते हो, रीड राइट कर सकते हो फ्रेमवेयर को, यानी कि फ्लैशिंग कर सकते हो फ्रेमवेयर को रिस्टोर करके, यानी कि उसका फ्रेमवेयर अगर आप फोन के अंदर है तो उसको रिस्टोर करके रख भी सकते हो। इसके अलावा FRP लॉक तोड़ सकते हो, MDM लॉक भी हटा सकते हो जो कि फाइनेंस लॉक आप बोल सकते हो, और रिसेट तो कर ही सकते हो। तो ये था ओप्पो और रियलमी का दो अपडेट जिसमें कि मोटोरोला का G72 इन प्री लोडर मोड में भी इन्होंने नेक्स्ट सिक्योरिटी का आपको अपडेट दे दिया है जो कि सिंगल मॉडल है। तो ये बेसिक सा अपडेट था आपका चीता टूल का। बेसिकली हम बात करने वाले EFT प्रो के बारे में मेनली डिटेल में समझने वाले हैं। जब तक के लिए आप ऐसे रेंडमली समझ जाइए इन सभी टूलों को, मतलब जो बाकी दो टूल बच रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी लाइट आ चुका है तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारी UAT प्रो टूल। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टेक्नो इन्फिनिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड किया गया है जिसमें कि चेक MDM स्टेटस ADB मोड के जरिए कर सकते हैं और QR कोड मेथड से उसको आप हटा भी सकते हैं। तो ये चीज़ आपको टेक्नो इन्फिनिक्स में मिला है। इसके अलावा सैमसंग में अगर आप देखेंगे तो KG रिमूव कर सकते हैं, MDM वगैरह KG MDM लगभग सेम ही होता है एक तरह से देखा जाए तो ये आप हटा सकते हो। और इसके अलावा आपका FRP वगैरह हटा सकते हो, एंड्रॉयड 13 वर्जन तक दोनों ही इसमें एडिट है जिसमें कि ADB मूड में भी काम करेगा। QR मेथड के जरिए आप MDM KG लॉक को हटा सकते हो। अब ये QR वाला मेथड काफ़ी समय से पुराना, मतलब बहुत टाइम से चल रहा है। और यहाँ पे कुछ नीचे आप देखेंगे तो चेक KG स्टेटस, रिमूव पेजोए, डिसेबल नॉक्स, डिसेबल फैक्ट्री रिसेट। अब ये जो चीज़ें हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका जो KG स्टेटस है, पेजोए है, ये सब एक ही चीज़ है। मतलब कंपनी अलग अलग होती है, जैसे कि आपको बजाज ले रहे हैं तो बजाज फाइनेंस अपना अलग लगा के देता है, उस टाइप से आप समझ सकते हैं ये होता है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एडेड वीवो के कुछ मॉडल ऐड किए गए जो कि पूरे के पूरे आप देखेंगे तो इन सभी मॉडलों में आप क्या कर सकते हो, ADB मेथड के जरिए आप रिमूव डेमो लॉक हटा सकते हो, जो कि आपको मैंने कल ही वीडियो में बताया था डेमो लॉक क्या होता है। जैसे कोई फोन आपके पास आया और नहीं मतलब दुकानदार के पास, जैसे क्या होता है कंपनी जैसे कोई मॉडल बनाई उस मॉडल का एक डेमो लॉक लगा के एक फ़ोन दे देगी जिसमें क्या करोगे आप स्क्रीन पर शो करा दोगे, उसमें कस्टमर कैमरा उसका फीचर वगैरह सब कुछ देख सकता है। लेकिन एक डेमो लॉक रहता है उसमें सिर्फ बेसिक जो फ़ोन का फीचर वही देख सकता है, इसके अलावा उसको एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकते, वो डेमो लॉक के साथ कंपनी देती है ताकि लोग अपना यूज करें। तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डेमो लॉक हटाने के लिए। यहाँ पे सारे ही सारे क्वालकॉम बेस्ड हैं और सब लेटेस्ट मॉडल हैं, जैसे कि देख सकते हैं V40 से लेके X100, X80, X90, इसके अलावा Y सीरीज के भी कुछ फ़ोन है लेकिन सब के सब क्वालकॉम CPU वाले हैं। तो ये सभी के आप आसानी से ADB करके आप हटा सकते हो। तो ये दो अपडेट था नॉर्मली। अब हम जो बात करने वाले EFT का, अब EFT प्रो टूल इतना बेस्ट क्यों है, क्यों आपको लेना चाहिए, ये अभी इस वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए EFT प्रो वर्जन 5.0.0 का अपडेट हुआ है अभी। और यहाँ पे आओगे तो रीसेट कर सकते हो Gmail ID Xiaomi के फ़ोनों को। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू के अंदर में, रीसेट FRP Xiaomi साइड लोड सर्वर बीटा फ्री। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई Xiaomi का फ़ोन आ रहा है और अगर आप उसका ये FRP हटाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, साइड लोड मोड के जरिए, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बिना फ़ोन को खोले, क्वालकॉम CPU वाले फ़ोनों को बिना खोले आप उसको आसानी से साइड लोड मोड के जरिए, साइड लोड मोड का मतलब आप समझ सकते हैं MI असिस्टेंट, उसके जरिए आप आसानी से उसका FRP हटा सकते हो, जो कि काफ़ी सारे टूलों में आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में नहीं होता है, फ्री में करना है तो खोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फ्री दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पे Xiaomi Poco C40 आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाया गया कि कैसे आप उसको
हटा सकते हो। ये आपका यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस टूल को लेना क्यों चाहिए ये समझ लीजिए। ये भी अपडेट कोई खास नहीं था इसके अंदर, आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा इसमें दिया हुआ नहीं था। लेने के मकसद के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो, ये टूल का सेटअप है। इसके अंदर ऑटो, जनरल, सैमसंग, हुआई, शाओमी, लेनोवो मोटो। अब लेनोवो मोटो एक जगह क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। एमटीके, क्वालकॉम, एसपीडी और यहाँ पे रॉकचिप, एल्विनार और एप्पल। यहाँ पे रॉकचिप, एल्विनार और एप्पल, ये तीन चीज़ इसी में दिया हुआ है। अब आपको ईएफटी टूल के बारे में मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बना के आप सभी लोगों को बताया था कि ईएफटी जो प्रो टूल है इसमें एक प्रो करने के लिए एक आपको वन टाइम रिचार्ज करना पड़ता है, और वो रिचार्ज करने के बाद से आप रॉकचिप, एल्विनार, एप्पल, ये जितने भी जो मार्केट में एकदम अलग टाइप के सीपीयू हैं उनका आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। जैसे टूल एक साल के लिए परचेज करते हो वो तो नॉर्मल चलता ही रहता है, वो तो सभी के लिए है, लेकिन एक टाइम का आपका रिचार्ज करोगे तो ये सब भी चिपसेट आपका खुल जाएगा। तो ये आपका ईएफटी टूल के अंदर दिया हुआ है, बाकी आप किसी भी टूल में ये चीज़ नहीं देखोगे। तो इसमें क्या फ़ायदा है, पहला तो आपको लेनोवो मोटो के बारे में बता दूँ। लेनोवो मोटो एक्चुअली आपको देखे हो जब आप ऑन करते हो तो उसमें सॉफ्टवेयर लेनोवो का डाला रहता है। कंपनी मोटो जो होती है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मोटो और लेनोवो ये दोनों कंपनी जो है ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट से। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर आपको मोटोरोला का फ़ोन जो है उसके अंदर लेनोवो का सॉफ्टवेयर रहता है, तो इसलिए दोनों एक साथ आपका दिखा दिया है। तो आप चाहो तो लेनोवो चाहे आप फ़ोन हो चाहे मोटोरोला का हो, दोनों में सॉफ्टवेयर जब एक ही है तो आप आसानी से उन दोनों को अनलॉक कर सकते हो। तो ये मोटोरोला का एक तो सेटअप इन्होंने दे रखा है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडल ऐड है मोटोरोला के बाकी टूलों की अपेक्षा। इसके अलावा मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी का अलग सेक्शन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपके फ़ोन में मॉडल सपोर्ट नहीं है उस कंपनी के अंदर, तो आप डायरेक्टली सीपीयू वाइज उसको कर सकते हो। इसके अलावा रॉकचिप, मैंने आपको बताया था रॉकचिप बहुत सारे टेबलेट में, एल्विनार वगैरह, ये बहुत सारे टेबलेट कंपनी में टेबलेट में डाल के देते हैं, तो इनको भी आप आसानी से अनलॉक कर सकते हो अगर आपके पास ये टेबलेट वगैरह आता है तो। और बाकी एप्पल का तो आपको पता ही है। तो ये एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर दिया हुआ है, इसीलिए इस टूल को मैंने कहा था कि अगर आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे बहुत सारे मॉडलों को टेस्ट करके यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए Redmi Note 9S, तो ये इस टूल का है, और यहाँ पे देखिए अनलॉकिंग करके दिखा दिया है। तो यही था ये अपडेट, जिसमें कि आप अगर चाहो तो अभी इस टूल को परचेज कर सकते हो। ईएफटी टूल को बहुत ही कमाल का टूल है मेरे हिसाब से, अपडेट भी अच्छा ही देता है जिस हिसाब से मैंने देखा है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अगर आपको ये टूल खरीदना है तो ये इसी वेबसाइट पर आइए जो कि GSM फॉरम सर्च करिए गूगल पे, और आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इनके रिसेलर वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनका टेलीग्राम वगैरह है यहाँ से भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे नीचे में पूरा डिटेल दिया हुआ होगा तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में आएंगे तो आपको इनके डिटेल मिल जाएंगे। तो बस यही था अपडेट, बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।